नमस्कार दोस्तों, भिन्न ऑनलाइन से मैं ललिता राजपूत। आज मैं और मेरे सहयोगी देवेश राजपूत आए हुए हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बिजनौर की पहली पर्यटन स्थली जो है विदुर कुटी, बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पर। तो आज हम यहाँ पर आए हुए हैं, आपको इसके पूरे दर्शन कराएंगे। इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, क्या इतिहास है और क्या धार्मिक महत्व भी है, वो सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पहुँचने के लिए हम आपको लोकेशन बता दें। तो विदुर कुटी आने के लिए हम जब बिजनौर से चलते हैं, बिजनौर मुख्यालय से लगभग आप 10 किलोमीटर की दूरी पर चांदपुर रोड पर ही ये विदुर कुटी स्थित है। तो आप यहाँ आने के लिए आपको हमने लोकेशन बता दी है, अब आइए आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं। द्वार नजर आ रहा है, काफी अच्छा बना हुआ है। और जैसा कि हमें यहाँ पर पता चला है, ये जो पूरे इस मंदिर का जो निर्माण है, वो जो स्थानीय लोग हैं या जो दानी लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनके दान के द्वारा ही बना हुआ है। इसमें प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं है। और कहा जाता है कि यही वो स्थान है जो महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडवों के बीच में, तब विदुर जी उससे अलग हो गए थे, हम सभी जानते हैं। और गंगा को पार करके इस स्थान पर आकर उन्होंने अपनी एक कुटिया बनाई और यहीं पर उन्होंने तप किया था। विदुर जी यहाँ पर तप कर रहे थे, तब कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास, तो वहाँ पर उन्होंने उन्हें 56 भोग अर्पित किए थे। लेकिन उन 56 भोगों को छोड़कर जो श्री कृष्ण जी हैं, उन्होंने यहाँ पर विदुर जी की कुटिया में आकर साग खाया था, जैसे सभी को सर्विदित है। तो उन्होंने साग खाया था यहाँ पर, बथुए का साग। तो आज कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसा बथुआ लगता है जो 12 महीने हरा ही रहता है। तो उस बथुए को भी हम आपको आज दिखाएंगे। मैं चाहूंगी कि आपको बथुआ हम दिखा दें, वहाँ लगा हुआ है, वैसे इतनी देखभाल नहीं है लेकिन लगा हुआ दिख रहा है हमें। हाँ, आपको पास से दिखाएंगे ये पूरा। देखिए यहाँ पर बथुआ लगा हुआ है ये। तो इसके बारे में हमारे साथ जो यहाँ के पुजारी जी हैं, तो उनके सुपुत्र हमारे साथ हैं। तो आइए हम उनसे थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? शुभम शर्मा। शुभम शर्मा, शुभम शर्मा जी, हमने सुना है कि ये यहाँ पर ही इस कुटी में ही जो कृष्ण जी आए थे, उन्होंने विदुर जी के यहाँ बथुए का साग खाया था। तो क्या यही है वो बथुए के पेड़? यही वो बथुआ है। अच्छा, तो इसकी कोई खास विशेषता है? ये 12 मास रहता है यहाँ पे। अच्छा, 12 मास रहता है, कभी सूखता नहीं है जी? नहीं। तो देख लीजिए दर्शकों, यही वो बथुआ है श्री कृष्ण जी ने आकर जिसका साग खाया, और ये 12 मास जो है हरा रहता है, कभी भी सूखता नहीं है। तो आइए अब हम आपको मंदिर के अंदर से दर्शन कराते हैं और भी जानकारी आपको देते हैं। मेन गेट पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर मंदिर का, और आप बाहर का ही पोर्शन देखिए, कितना सुंदर बना हुआ है, लग रहा है प्राचीन काल का ही लगता है बिल्कुल। कितने अच्छे से यहाँ पर प्रतिमाएं कह सकते हैं आप, यहाँ करते हैं उकेरी गई है, बहुत अच्छी लग रही है, गदा की है, उधर चक्र बना हुआ है और उधर भी देख सकते हैं आप। तो यहाँ से मेन गेट आ जाते हैं हम, अब हम अंदर चलते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर मुख्य भाग में पहुंच गए हैं, जो मंदिर है यहाँ पर। और इधर से मैं देख पा रही हूँ कि वहाँ पर एक प्रतिमा लगी हुई है, शायद विदुर जी की है वो, तो उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, सामने से दिखाएंगे हम आपको। तो देखिए दोस्तों, हम सामने से आ चुके हैं, सामने आप प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ है श्री राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों द्वारा अनावरण, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा बृहस्पतिवार को हुआ, संवत विक्रम 2017 और 3 नवंबर 1960 ईस्वी। तो ये मूर्ति दिखा देते हैं हम आपको और इसके बारे में जानकारी करेंगे। हमारे साथ एक यहाँ के बुजुर्ग हैं, तो उनसे जानकारी करते हैं हम। सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम बलजीत। बलजीत जी, तो बलजीत जी आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं, यहीं रहते हैं आप हमेशा? ज्यादातर यहीं रहते हैं आप। तो जैसे ये मूर्ति का यहाँ पे लिखा है अनावरण राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया, तो यहाँ पर हमने सुना है कि विदुर जी ने यहीं पर रहकर तपस्या की थी महाभारत काल में। तो यहाँ फिर इस मंदिर, तो तब तक कुटिया होगी, जंगल होंगे पहले? तो पहले जंगल था ये। जी जी जी, यहाँ पर जंगल था जी, और जंगल में ये राष्ट्रपति जी आए जी, तो इन्होंने यहाँ स्थापना करी, इनकी स्थापना, इनकी मंदिर बना और इनकी मूर्ति बनाई गई। तो इस मंदिर में प्रशासन का सहयोग है या स्थानीय लोगों का है या दानदाताओं का है? दान से बना हुआ। अच्छा, दानदाताओं का सहयोग से बना हुआ पूरा मंदिर है ये। अच्छा, और स्थानीय लोगों का भी होगा इसमें सहायता? हाँ, वो भी है। अच्छा अच्छा, तो और कुछ बताइए, यहाँ पर क्या घटना हुई जब ये आए, तो घटना के बारे में बताइए हमें। यहाँ ऐसा था, ये जब महाभारत हुआ था जी, तो इनकी बात नहीं मानी गई, वहाँ दुर्योधन ने बात नहीं मानी जी जी, तो उसको जो है उसे अच्छा नहीं लगा विदुर जी को जी, तो ये अपनी पत्नी को लेकर यहाँ आ गए। अच्छा, और यहाँ आकर इन्होंने तपस्या करी
जी। तो यहाँ जब कृष्ण जी शांति दूत बनकर गए जी, तो उनकी बात जैसा दुर्योधन ने ठुकरा दी। अच्छा, अब उसे ठुकरा कर अच्छा नहीं लगा तो छप्पन भोग को छोड़कर यहाँ आकर बछुए से साग खाया इन्होंने। अच्छा, बछुए का साग खाया इन्होंने। हाँ, जी जी जी। दो रोज रुके। अच्छा, दो रात यहाँ रुके श्री कृष्ण जी। हाँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमें बताया अभी कि यही वो जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि छप्पन भोग छोड़कर विदुर जी के की पत्नी के हाथों का साग खाया था और यहाँ पर उन्होंने दो रात्रि भी व्यतीत की थी। तो ये तो इस मंदिर का ऐतिहासिकता है, धार्मिकता है कि श्री कृष्ण जी यही वो स्थान है जहाँ पर दो रात व्यतीत की गई है। तो आप समझ सकते हैं कितना प्राचीन स्थान है ये। तो और अब मंदिर भव्य भी है काफी और बहुत अच्छा बनाया हुआ है। तो हम आपको पूरे मंदिर का दर्शन कराते हैं। धन्यवाद सर, आपके बात चरण पादुका बनी हुई है और इस पे तुलसी दल भी चढ़ाया गया, फूल भी हैं। तो इनके बारे में हम शुभम जी से जान लेते हैं। शुभम भैया हमारे साथ ही हैं। तो शुभम जी, आप ये बताइए कि ये चरण किसके हैं, किसके प्रतीक चिन्ह है ये? भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह है। अच्छा, श्री कृष्ण के पद चिन्ह है ये। अच्छा, यहाँ पे सब भगवान श्री कृष्ण आए जी जी, ये चरण पादुका यहाँ पे पाए गए। ये चरण पादुका यहाँ पर पाए गए। तो इतना प्राचीन है ये चरण पादुका, उसी समय का है, उसी समय इसको एक अच्छा से उसमें करके स्थित किया गया हुआ है। अच्छा, तो लगभग तो आज से महाभारत काल में, यानी 5000 वर्ष पूर्व। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ आएंगे तो आपको कितना हुआ है, हम भी छू के आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि श्री कृष्ण की चरण पादुका यहाँ पर स्थित है लगभग 5000 वर्ष पुरानी। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको बहुत अच्छा धन का लाभ मिलेगा, आपको यहाँ पे जरूरी आना चाहिए। और भी मंदिर में बहुत अच्छा है मंदिर देखने के लिए, तो आइए आपको और भी। यहाँ पर प्रशासन की कोई सहयोग नहीं, केवल दानदाताओं द्वारा ये मंदिर का निर्माण कराया गया है। लेकिन आप सामने देखिए, राधा और कृष्ण जी का दरबार बनाया गया है। ये सामने देखिए श्री कृष्ण जी और राधा जी का दरबार है, और आगे भी और है, आगे दिखाते हैं हम आपको। जब अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं महाभारत काल में, तब उस समय की मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया गया, यानी कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी के अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है इन मूर्तियों में। एक जगह श्री राधा जी के साथ रासलीला के रूप में, एक जगह सुदर्शन चक्र लिए हुए योद्धा के रूप में, और यहाँ पर एक उपदेशक के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। और हम देख पा रहे हैं, मैं चाहूंगी दिखाना, दोनों ओर यहाँ पर देखिए दर्पण लगे हुए हैं। तो अब जब हम यहाँ से देखते हैं तो मूर्तियां बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर लोगों द्वारा प्रयास है, बहुत अच्छे मंदिर का निर्माण है। तो दीवारों पर कुछ मूर्तियां उकेरी गई है, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इसमें इस दृश्य में कुछ दर्शाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो हम शुभम भैया से ही पूछ लेते हैं, तो ये ऐसा क्या बना हुआ है बताइए आप? ये वो दृश्य है जो महाभारत काल में जो सैनिक मारे गए थे उनकी विधवाएं हैं। अच्छा, जो महाभारत काल में जो सैनिक मारे गए उनकी विधवाएं हैं, वो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है जी। यहाँ पे जब पता चला कि ये युयुत्सह है जो माता विदुर जी के पास, इनको सब विधवाओं को यहाँ पे ला। अच्छा, युयुत्सह जी। अच्छा, महाभारत काल में कौरवों में से थे जो एक जीवित थे जी जी, ये कौरवों पांडवों की तरफ आ गए थे जी। अच्छा, तो ये वो करते थे, तीर होते है ना जी, उनकी धार बनाते थे। अच्छा, उनकी धार बनाते थे। अच्छा, तो जब यहाँ पे माता विदुर जी के पास इनको लाया गया, तो माता विदुर जी ने किया कि मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, आप ये बस्ती यहाँ पे अपना झोपड़ी वगैरह बनाओ। अच्छा, उन सारी विधवाओं को कहा। हाँ। अच्छा, तो ये उनको इन्होंने विदुर जी ने इनकी रक्षा करी। अच्छा, इनको यहाँ पे निवास दिया। अच्छा, इन्हें बसा दिया यहाँ पर। अच्छा, तो जैसे बसा रहे जी 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 जी। तो स्त्री को संस्कृत में धारा बोलते हैं। धारा बोलते हैं। जो पीछे बस्ती है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जी जी, इसका नाम धारानगर है। धारानगर है। तो अब धारानगर में क्या, अब इसको धारानगर बोल देते हैं, जहाँ पे हम यहाँ पे खड़े हैं, कुटी मंदिर है और पीछे जो बस्ती है ये धारानगर नाम से। धारानगर नाम से जानी जाती है। अच्छा, तो लोगों ने मतलब अपभ्रंश कर दिया, उसको बिगाड़ दिया, लेकिन धारानगर था पहले जी। तो आप देखिए दोस्तों, जितनी भी जो विधवाएं थी महाभारत में जो हुई थी, तो सारी यहीं पर आ गई थी, वो विदुर जी के पास आई थी और उन्होंने बसा दिया, इसलिए इस नगर का नाम पहले धारानगर रखा गया, लेकिन अपभ्रंश होते होते बिगड़ते बिगड़ते वो अब धारानगर गंज के नाम से जाना जाता है। तो और भी मूर्तियां और के बारे में देखूं तो इनका भी कोई ऐतिहासिक महत्व है या क्या बात है? जैसे चित्र दर्शाए। अच्छा अच्छा, ये केवल महाभारत के चित्र दर्शाए गए, जो हमने पिछला चित्र देखा उसका यहाँ का ऐतिहासिक महत्व। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी महाभारत काल के चित्र दर्शा दिए गए हैं, बनाए गए हैं, जैसे द्रौपदी के चीर होने वाला दृश्य है, शायद देख लीजिए आप, और इधर दृश्य दर्शाया गया है। तो इसी तरह के बहुत सारे यहाँ पर चित्र उकेरे गए हैं। मंदिरों पर्यटन स्थल है तो भीड़ भाड़ भी काफी रहती होगी यहाँ, तो कोई ऐसा खास धार्मिक मतलब धार्मिक उत्सव होते हैं यहाँ पर क्या?
यहाँ पे पहले होता था विदुर महोत्सव। अच्छा पहले होता था जी, पर अब नहीं होता है। अच्छा। और यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि धार्मिक अपना स्थल है तो पर्यटक आते जाते रहते हैं, अपना करते हैं पूजन पाठ वगैरह। अच्छा, अच्छा। अपना प्रसाद वगैरह बनाया। अच्छा, यानी कि भंडारे वगैरह चलते ही रहते हैं। जी जी, अच्छा कोई निश्चित दिन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर भंडारे वगैरह बहुत चलते रहते हैं क्योंकि काफी बड़ा पर्यटक स्थल है, बहुत अच्छा भी है और देखने लायक भी है, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से या फिर भ्रमण की स्थिति दृष्टि से, हर एक दृष्टि से बहुत ही अच्छा स्थल है। आप सबको यहाँ पर जरूर आना चाहिए और धन का लाभ भी कमाना चाहिए। और अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आपके आसपास भी कोई ऐसी धार्मिक स्थल हो जिसके बारे में आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद।